नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन बंद होने वाले दो आईपीओ, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ अपडेटर सर्विस के आईपीओ के बारे में। 25 से 27 सितंबर के बीच आईपीओ खुलता हुआ दिखाई दिया। 113 से 119 शेयर रुपए पर शेयर का भाव था। जेएसडब्ल्यू ग्रुप का आईपीओ बहुत लंबे वर्षों के बाद अब फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, और 126 शेयरों के लॉट के लिए आप बोली लगा सकते थे। 2800 करोड़ का इसका टोटल इशू साइज था, जहां पे फ्रेश इशू था लगभग 2800 करोड़ का पूरा कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये गलत नहीं होगा कहना। और कहीं ना कहीं एक अच्छे लिस्टिंग की उम्मीद जो है इन्वेस्टर्स ने लगा के रखी है इस आईपीओ में, कि शायद उनको एक अच्छा लिस्टिंग गेन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आईपीओ के अलॉटमेंट डेट, तो 3 अक्टूबर की रखी गई है और 4 अक्टूबर यहाँ पे रिफंड की डेट है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता, आपके शेयर अगर मिलते हैं तो डीमैट में आएंगे 5 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे के दिन अगले हफ्ते इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई दे सकती है एनएससी और बीएसई दोनों एक्सचेंजेस पे। लेकिन इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही जोरदार रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल रहा है। 38 टाइम से ज्यादा अभी फिलहाल भरता हुआ दिख रहा है, 3:48 का टाइम होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग 59,000 करोड़ से ज्यादा की बोलियां यहाँ पे आपको मिल चुकी है। सबसे पहले बात करें क्यूआईबी का हिस्सा, तो ऑलमोस्ट 59 टाइम्स यहाँ पे भरता हुआ दिखाई दिया, जो कि बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे कहा जाएगा कहीं ना कहीं क्यूआईबी की तरफ से। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा ऑलमोस्ट 16.75 टाइम्स भरता हुआ दिखाई, जिसमें से बड़े एचएनआईस यानी कि बिग एचएनआईस जो है 10 लाख से ऊपर की बिड वाले उनका हिस्सा ऑलमोस्ट 18 टाइम्स और 10 लाख से नीचे की बिड करने वाले उनकी हिस्से लगभग 14.4 टाइम्स यहां पे भरते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी बात कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा, वो भी यहाँ पे बंपर सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। 10.35 यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, जो कि आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे अलॉटमेंट जो है कहीं ना कहीं अब मिलना मुश्किल होगा रिटेलर्स को, क्योंकि 10 लॉट पे 1 लॉट मिलेगा ना, 10 में से 1 लोगों को यहाँ पे कहीं ना कहीं अलॉटमेंट आएगा ऑन एन एवरेज अगर आप इसका रेशियो पकड़ के चलते हैं तो। अब जिसकी किस्मत होगी मिलेगी उसको अलॉटमेंट, जिसकी नहीं होगी नहीं मिलेगी। लेकिन अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना लिस्टिंग गेन आपको अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइस 119 रुपए का है और 19 रुपए ग्रे मार्केट में, अभी फिलहाल ग्रे मार्केट की प्रीमियम बता रही है कि लगभग लगभग 138 के आसपास लिस्टिंग होती हुई दिख सकती है एस्टिमेटेड, जो कि लगभग 16% का लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले जब आईपीओ ओपन हुआ तब तक ये लिस्टिंग गेन 15 रुपए के आसपास था, जो 12-12.5% के रेंज में चल रहा था। तो कहने के पिछले 2-3 दिनों में और जिस तरीके से आज रिस्पॉन्स देखने मिला है, हो सकता है यहाँ पे 20 रुपए से भी ऊपर का लिस्टिंग गेन आपको मिल जाए जब लिस्टिंग हो। अगर मार्केट की कंडीशन थोड़ी भी सही रहेगी तो 20 से 25 रुपए तक का ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको आता हुआ दिख सकता है, और 140 से 145 की रेंज में भी अगर स्टॉक लिस्ट हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और देखना होगा कि लिस्टिंग के बाद क्या यहाँ पे FIIs या बाकी की तरफ से बाइंग आती है या फिर नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स आया है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इशू साइज छोटा मोटा नहीं 2800 करोड़ का है, उस हिसाब से एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है। लेकिन अब बात करें दूसरे आईपीओ की जो आज के दिन खत्म होता हुआ दिख रहा है, अपडेटर सर्विस का आईपीओ। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो एज कंपेयर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ थोड़ा महंगा है, 280 से 300 रुपए पर शेयर के मुकाबले, और 50 शेयरों का लॉट था यहाँ पे। 640 करोड़ रुपए का टोटल इशू साइज था, जहाँ पे 400 करोड़ का फ्रेश इशू था और 240 करोड़ ओएफएस के जरिए कंपनी जुटाने की योजना बना रही थी। इसकी भी सेम टू सेम अलॉटमेंट डेट है 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर है रिफंड की डेट और 6 अक्टूबर को शेयर जो है आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे और लिस्टिंग जो है वो आपको होती हुई दिखाई देगी 9 अक्टूबर के दिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो उतना शानदार रिस्पॉन्स नहीं मिला है जितना कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलता हुआ दिख रहा है। आप अगर अभी इसके आंकड़े देखेंगे तो 3:47 तक इसको टोटल अभी सब्सक्रिप्शन 2.94 ले देके भर जरूर गया है, लेकिन उतना बड़ा रिस्पांस जो है वो आपको फिलहाल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप रिटेल का हिस्सा देख रहे हैं तो रिटेल का हिस्सा सिर्फ 1.33 टाइम्स भरा है, तो अलॉटमेंट तो ऑलमोस्ट सबको मिल जाएंगे, लेकिन अब लिस्टिंग कैसी होगी ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। नॉन इंस्टीट्यूशनल हिस्सा भी अगर आप देख रहे हैं पूरा नहीं भरा है, 0.87 टाइम्स ही भरता हुआ दिख रहा है, जिसमें बड़े एचएनआईज का हिस्सा ऑलमोस्ट 1.06 टाइम भरा है और स्मॉल एचएनआईज का जो हिस्सा है वो 0.5 टाइम्स यहाँ पे भरता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दिया है। तो एचएनआईज भी उतने ज्यादा उत्साहित नहीं है कि इस स्टॉक में खास इन्वेस्टमेंट की तरफ वो ध्यान दे, यानी कि वो मान के चल रहे कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ा लिस्टिंग है तो दूर की बात है कहीं डिस्काउंट में इस पर लिस्टिंग ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे कोई खास रुझान उनका नहीं है।
क्यूआईबीज की तरफ देखें तो बहुत ठंडा रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, 4.5 टाइम्स ओनली भरता हुआ दिख रहा है, यानी कि भर जरूर गया है लेकिन जो 10 गुना, 20 गुना, 50 या 100 गुना तरीके से भरता है क्यूआईबी का हिस्सा, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग है। जैसा कि हमने देखा जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर केस में अच्छा खासा क्यूआईबी का हिस्सा जो है भरता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही कम रिस्पॉन्स जो है देखने को मिल रहा है। अगर बात करें अपडेटर सर्विस के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, 300 रुपए का आईपीओ प्राइस है और ग्रे मार्केट में फिलहाल अभी यहाँ पे कोई खास ट्रेड हो नहीं रहा, 0 रुपए ही यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, यानी कि इसकी लिस्टिंग अभी बिल्कुल आप मान के नहीं चल सकते कि ऊपर होगी या नीचे होगी। अभी मार्केट जिस दिन खुलेगा उस दिन पता चलेगा, क्योंकि अभी ग्रे मार्केट में इसके प्राइस शायद ट्रेड नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल ब्लैंक नंबर देखने को मिल रहे हैं। और पिछले कई दिनों से अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखने को नहीं मिल रही है, तो आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है, जिसके कारण भी निवेशक जो है इससे थोड़ा दूर रहने में ही फायदा समझ रहे हैं कि यहाँ पे ना ही लगाए तो ज्यादा अच्छा है। फिर देखेंगे जब लिस्टिंग होगी, कंपनी की वैल्यूएशन, थोड़ा कंपनी के बारे में भी नॉलेज हो जाएगा तो शायद बाद में देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ पे लोग दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।